खड़े रहिए ना। मैम क्या कहना चाहोगे गाने को लेके, कितना पसंद आया आपको? मैंने देख लिया, बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, लेकिन आपको कितना पसंद आया, केमिस्ट्री कितनी पसंद आई? वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह जब हमने सुना है कि ये गाने के लिए आपने ही राल आपने ही बोला रहेगा, क्लीन चीट आपने ही दी रहेगी पहले। ओके, आने वाले दिनों में क्या हम देख सकते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट अगर आप बता सकते? लोग चाहते कि आपके प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कोई नया सॉन्ग। मेरा प्रोडक्शन हाउस तो यही दोनों है ना, बॉर्न ब्रॉस का मतलब ही है निगम ब्रदर्स का था, पर दोनों बिजी हो जाते हैं तो मेरा प्रोडक्शन हाउस खुला हो जाता है। अभी ये दोनों फ्री हुए तो मैं वापस इसको गर्म करने वाली हूँ। अब कब होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो होगा जल्दी। सिद्धार्थ की फिल्म Zee5 में आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? कैसी लगी सभी? काफी उसका प्रमोशन हो रहा है। ओके, अगर हम बात करें किस तरह के आगे अभिषेक से आप क्या करवाना चाहते हैं काम फिल्मों में, कुछ अगर आप बता सके। और ऐसी भी खबरें आ रही कि घूमे किसी के प्यार में अभिषेक का कोई रोल आ सकता है ऐसा? हाँ, वो हमारा है, ऐसा तो नहीं, कल से शूट है और एक दिन पहले कैंसिल हो गया थोड़ा, अभिषेक छोटा दिखा। ओके ओके ओके, मतलब पहले था भाविका के सामने। लेकिन दोनों की पेयरिंग बहुत अच्छी लगती थी, अगर और चैनल है ना, ऑडियंस को अच्छा लगे उससे पहले चैनल ही कैंसिल कर दिया, उसके लिए भी क्या बोल रहा हूं मैं। तो प्रोजेक्ट पूरी तरह से हो गया था, पूरा डन हो गया था प्रोडक्शन के तरफ से। कुछ नया आएगा, कुछ हंगामा वाला आएगा। ओके, आपकी दौर में काफी आएगा, उसकी फिल्म बहुत पसंद की जा रही। जैसे Zee5 में रिलीज हुई, शायद पहला शो मैंने ही देखा होगा। ओके, अमेजोन में रिलीज हुई, बहुत अच्छा काम किया। सिद्धार्थ ने देखी कि नहीं उनकी दोस्त? सिद्धार्थ अभिषेक नहीं थे उस समय, तो उसे मैंने देखी, मैं घर पे थी, मैंने उन दोनों को बताया, बोले हाँ देखना है। ओके, आखिर में आप अपने फैंस से आप क्या कहना चाहिए? मेरे फैंस बस आज जो बोका लॉन्च हुआ है उसको ढेर सारा प्यार दो और अभिषेक को भी ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।